अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में एक बार पुनः देश के नामचीन कलाकार सुरलहरियां बिखेरेंगे। मंदाकिनी तट पर ख्याति लब्ध कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख के जन्मदिन पर सरदोत्सव का रंग इस बार भी कुछ अलग होगा। कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल परिसर सुरेन्द्र पाल ग्रामोदय विद्यालय खेल प्रांगण में प्रतिदिन शाम 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। सरदोत्सव के आयोजक मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि सांस्कृतिक संध्या सरदोत्सव की शुरुआत 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन सोशल मीडिया से देश के हर घर में अपनी पहचान बना चुकी मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति से होगी। वहीं युवाओं में काव्य को लोकप्रिय बनाने वाले सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास 11 अक्टूबर को शरदोत्सव में अपना जलवा बिखेरेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन नाना जी के जन्म दिवस पर खीर प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। प्रथम दिवस रविवार 9 अक्टूबर को मशहूर गजल भजन गायिका मैथिली ठाकुर एवं साथी मधुबनी द्वारा भक्ति संध्या एवं डॉक्टर लता सिंह मुंशी एवं साथी भोपाल द्वारा श्री राम कथा भरतनाट्यम समूह की प्रस्तुति हो रहेगी। 10 अक्टूबर को ऋषि विश्वकर्मा एवं साथी सागर द्वारा भक्ति संध्या तथा रोजलिन सुंदराय एवं साथी उड़ीसा द्वारा शिव भक्ति ओडिसी समूह तथा बन सिंह भाई चमायड़ा भाई राठवा एवं साथी गुजरात द्वारा राठवा जनजातीय लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। मंगलवार 11 अक्टूबर को प्रसिद्ध कवि और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर कुमार विश्वास एवं अन्य कई कवि काव्य पाठ करेंगे। चित्रकूट के विकास को कई आयामों के साथ जोड़कर देश दुनिया को स्वावलंबन का संदेश देने वाले राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख के जन्मदिन शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले 3 दिवसीय पारंपरिक एवं समकालीन कला की सांस्कृतिक संध्या सरदोत्सव प्रत्येक वर्ष एक नई छाप छोड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक आयोजन का चित्रकूट क्षेत्र के आम जनमानस को बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है। लोक कलाकारों के संगीत पर जब पांव थिरकते हैं तब यहाँ नजारा बेहद रमणीय और वातावरण बेहद खुशनुमा होता है।